भारतीय संविधान हर देशवासी की भावना का प्रतीक है। लंबे संघर्ष के बाद मिली आजादी को सदा बनाए रखने के लिए वो शस्त्र जो हमेशा अपने नागरिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करता है। भारत सदियों की रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। अपनी समृद्ध संस्कृति की खूबी के बावजूद जाति व्यवस्था और धर्मों में बटा हुआ था। देश में व्याप्त जात पात की भावना, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव प्रगति की राह में सबसे बड़े अवरोधक साबित हो रहे थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसके सभी नागरिक समान हों, बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ सौहार्द पूर्वक रहें और देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सकें। इसी मकसद से संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया, जिसमें अनुच्छेद 15 सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के अंदर कास्ट बेसिस पर सदियों से कुछ एक व्यक्तियों के साथ अन्याय होता रहा है। उस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को ये अधिकार दिए गए। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता ऐसे लोगों के बीच में होती है जो सिमिलरली प्लेस्ड हों। अगर वो सिमिलरली प्लेस्ड नहीं हैं तो उनमें समानता की बात कोई मायने नहीं रखती है। और ऐसा समझा गया कि बच्चे और महिलाएं एक ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए कुछ तरह के विशेष अधिकारों के देने की ज़रूरत है, तो उनके लिए कानून बनाने का प्रावधान रखा गया। इसी तरह जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं जिनको कास्ट बेसिस पर हमारे समाज के अंदर बहुत समय तक डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके लिए स्पेशल कानून बनाने का प्रावधान भी जो है सरकार को इसमें मिला। जैसा कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, वो इसी प्रावधान के अंदर जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। देश में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए राज्य को नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्ति मिली है। राज्य शक्ति का प्रयोग नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को अवरुद्ध करने में ना करे, इसलिए राज्यों के खिलाफ आम नागरिकों को अधिकार दिया जाना भी जरूरी था। मूल अधिकार राज्यों के अधिकार को सीमित करने के उपाय के तौर पर भी देखा जाता है। वही आजादी के पहले भारत में समाज के वो तबके जो सदियों से सामाजिक उपेक्षा के शिकार हुए, अनुच्छेद 15 उनके लिए एक ढाल बना। अनुच्छेद 15 ने पिछड़े और शोषित लोगों को न सिर्फ सशक्त बनाने का काम किया, बल्कि राज्य को अधिकार दिया कि वो समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चे और सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबके के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान और रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बना सके। बच्चों और महिलाओं को लेके स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, और जो 15(4) है उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है। अब तो आपने देखा होगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए भी कोटा आ गया है, वो भी इसी में ही कवर होता है। और भी आर्टिकल लगते हैं, लेकिन सरकार जो अभी पिछले उसमें सत्र में लाई थी, ये जो बिल जो अब कानून बन गया है। अनुच्छेद 15 जैसे संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों में अंतर है, जिसके मुताबिक साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एडिड हैं, अनएडिड हैं या सरकारी हैं, अगर उनमें इन लोगों के उठाव के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए किसी तरह के भी कोई स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं, तो ये शिक्षण जो है वो सरकार को अधिकार देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए एक विशेष तरह के प्रावधान बना सकते हैं।
आपको शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण है और नौकरी में भी है, दो तरीके से दिए गए हैं। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने OBCs को रिजर्वेशन दिया था और सारे रिजर्वेशन को मिला के उन्होंने बोला था 50% रिजर्वेशन मिलेगा, और जो और भी समाज के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो उनके लिए भी आरक्षण लागू हुआ है। सबसे पहला तो इंदिरा साहनी का केस है जिसमें OBC रिजर्वेशन वगैरह हुआ था, उसके बाद प्रीति श्रीवास्तव का आया, फिर DP जोशी का केस आया। इस तरह के केस हैं जिन्होंने कि समानता पे, जो शोषित वर्ग है समाज का उसको समानता पे लाने की कोशिश करी है, और ये हमारे मील के पत्थर हैं ये जो जजमेंट्स हैं। अनुच्छेद 15 राज्य को ये भी अधिकार देता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राइवेट संस्थानों में दाखिले के लिए प्रावधान करे। इसके अलावा उत्तीर्ण हेतु अंक में रियायत, शुल्क माफी और आरक्षण देने का अधिकार भी राज्य को अनुच्छेद 15 से ही मिला है। वहीं SEBC यानी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और कन्याओं को स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए सीट आरक्षित करने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में सुनिश्चित किया गया है। ऐसा ही विशेष अधिकार सरकारी नौकरियों में भी दिया गया है, जिससे उपेक्षित वर्ग के नागरिकों का सामाजिक उत्थान हो, जो अनुच्छेद 16(3) और 16(4) में निहित है। अनुच्छेद 15 का पालन बेहतर ढंग से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और निषेध अधिनियम 2013, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 शामिल है। अगर इन कानूनों का पालन नहीं होता तो दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस तरह मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। वही मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के पाठ्यक्रम में संविधान को शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है।